हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक नेल आर्ट प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये वाला लुक कैसे क्रिएट किया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं ये मेकअप लुक अपने चैनल पर शेयर करने वाली हूँ। जिस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं करने वाली हूँ उसका नाम है सेल्फ एडहेसिव नेल आर्ट स्टेंसिल स्टिकर्स, और ये मैंने अमेजोन से बाय किया था। इसकी ओरिजिनल इमेज मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी। अमेज़ोन पे इसकी MRP 400 रुपये थी, लेकिन मैंने इसको डिस्काउंट के बाद ख़रीदा था, तो ये मुझे 186 रुपीज़ का पड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो अगर हम बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। ये ट्रांसपेरेंट सिंपल सी पैकेजिंग है, जिसके ऊपर कुछ भी मैंशन नहीं किया गया है। सो इस पैकेजिंग के अंदर आपको कुछ इस तरीके की 24 शीट्स मिलेंगी। हर एक शीट के अंदर यहाँ पर 3 डिफरेंट पैटर्न्स हैं, और हर एक पैटर्न के अंदर आपको 2 स्टिकर्स मिल रहे हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अंदर टोटल आपको 72 पैटर्न्स मिल रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पैटर्न्स हैं। कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनको सिर्फ आप एक ही बार यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इनके स्टिकर काफ़ी डेलिकेट हैं। लेकिन कई पैटर्न्स ऐसे भी हैं जिनको अगर आप ध्यान से यूज़ करेंगे तो आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले अपने नेल्स पे एक बेस कलर अप्लाई करना है, और उसको पूरी तरह से ड्राई होने देना है। तो वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा तो आपको अपने पसंद का कोई भी स्टिकर उतारना है, और आपको अपने नेल्स पे स्टिक करना है। उसके ऊपर आपको एक डिफरेंट कलर की नेल पेंट अप्लाई करनी है, और फौरन उस स्टिकर को निकाल देना है। सो बेसिकली उससे होगा ये कि जो कटआउट इस स्टिकर के अंदर बने हुए हैं, सेम वैसा ही पैटर्न आपके नेल्स पर बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और कितना आसान और मुश्किल है इसको यूज़ करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस कोट के लिए मैंने ये वाइट कलर चूज़ किया है, क्योंकि वाइट यूनिवर्सल कलर होता है। तो इसके ऊपर अगर आप किसी भी कलर से पैटर्न बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगेगा। सो लेट्स अप्लाई द बेस कोट फर्स्ट। फर्स्ट कोट ड्राई होने के बाद मैं इसका सेकंड कोट अप्लाई करूंगी। बेस कोट ड्राई होने के बाद मैं इनमें से एक स्टिकर लूंगी, और उसको अपने नेल पे स्टिक करूंगी। शीट पर से निकालने में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बहुत ही इजीली शीट पर से निकल जाएगा। सो मैं इसको सबसे पहले अपने मिडिल फिंगर के नेल पे स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो थंब और इंडेक्स फिंगर का नेल होता है वो थोड़ा सा कर्वी होता है, तो उस पर आपको प्रॉब्लम होगी लगाने में स्टार्टिंग में। स्टिकर पूरे नेल पर अच्छी तरह से स्टिक हुआ होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहीं से भी उठा हुआ रह जाएगा तो जो पैटर्न है वो सही से नहीं बन पाएगा। स्टिकर को अच्छी तरह से लगाने के बाद मैं इस पर एक डिफरेंट कलर की नेल पेंट अप्लाई कर रही हूँ। ये कैमरे पे ब्लैक दिख रही है, बट इट्स एक्चुअली डार्क ब्राउन इन कलर। ध्यान से पूरे नेल पे नेल पेंट अप्लाई करें, बीच में कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। नेल पेंट अप्लाई करने के फौरन बाद मैं ये स्टिकर नेल पर से उतार दे रही हूँ, और बहुत ईजिली ये पैटर्न आपके नेल पर बन जाएगा। दूसरे नेल पे लगाने से पहले मैंने इसको एक कॉटन बुल की हेल्प से साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन उससे हुआ ये कि कॉटन के जो फाइबर थे वो इस पर चिपक गए थे, और उस वजह से इसका ग्लू थोड़ा ख़राब हो गया था। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो जिस तरीके से मैंने फर्स्ट नेल पे पैटर्न बनाया था, उसी तरीके से मैं सेकेंड नेल पर भी यहाँ पैटर्न बना रही हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मेरी एक गलती की वजह से थोड़ा सा पैटर्न ख़राब हो गया था। रिंग फिंगर पे मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया है, क्योंकि उस पर मुझे कुछ डिफरेंट ट्राई करना था, जो कि मैं सबसे लास्ट में करूँगी। इसके बाद मैंने इसको नेल पेंट रिमूवर की हेल्प से साफ़ करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद ये अच्छे तरीके से स्टिक नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने बाकी के 2 नेल्स के लिए दूसरा स्टिकर यूज़ किया था सेम पैटर्न का।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंडेक्स फिंगर और थंब का नेल थोड़ा कर्वी होता है, तो इस पे स्टिकर लगाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्टिकर को अच्छी तरह से दबाते हुए लगाएं, और अगर आपको लग रहा है कि ये कहीं पे स्टिक नहीं हो रहा है तो आप इसको हल्का सा पुल करके भी स्टिक कर सकते हैं। थंब के नेल पे लगाने से पहले मैंने इसको नेल पेंट रिमूवर की हेल्प से साफ किया था और ये इजीली साफ हो रहा था। और इसके बाद सेम टेक्निक से मैंने थंब पे भी इजीली पैटर्न बना लिया। यूज़ करने के बाद मैंने इसको वापस नेल पेंट रिमूवर से क्लीन किया और शीट की दूसरी साइड स्टिक कर रही हूँ ताकि मैं इसको दोबारा यूज़ कर सकूँ। रिंग फिंगर के लिए जो कटआउट्स बचे हुए थे स्टिकर के, वो मैंने इस नेल पे स्टिक किए थे। ये बहुत इजीली हो गया था और इसका जो फाइनल लुक आया था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मुझे ये नेल आर्ट स्टिकर्स काफ़ी अच्छे और अफोर्डेबल लगे। हो सकता है स्टार्टिंग में एक दो बार आपको इसको यूज़ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन उसके बाद आपको ये यूज़ करना आ जाएगा। सो यहाँ मैं लास्ट कटआउट स्टिक कर रही हूँ और ये है इस नेल आर्ट का फाइनल लुक, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।